नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश खत्री राधे कृष्णा ऑटोमोबाइल से आपका स्वागत है। आज आइए हमारे पास क्रेटा पेट्रोल जो कि 50,000 किलोमीटर चली हुई है। आज हम इसकी सर्विस कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं इसमें ना तेल टॉपअप पे टॉपअप किया जा रहा है। इसमें ना सर्विस टाइम पे नहीं हुई है। मैं एक बार है ना इसका इंजन ऑयल आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, मतलब कैसा है और गेज पे एक बार कैसे मतलब क्या है तो सारा आपको एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ। तो बिलाल एक बार कपड़ा लेके आओ। तो दोस्तों इसमें ना काफ़ी ज़्यादा लेट सर्विस हुई है और अभी भी कस्टमर कह रहा था यार टॉपअप ही कर दो, तो हमने टॉपअप से मना कर दिया है और अब हम इसको सर्विस करने के लिए मनाया है। तो अभी देखो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ इसका इंजन ऑयल और ये देखिए दोस्तों कैसा है। मेरी उंगली पे ये देखिए आप, इसमें चिकनापन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है और देखो गेज से कैसे चिपका हुआ है, ये उतर भी नहीं रहा इससे। तो ये अपनी लाइफ है ना बहुत जल्दी खो देता है इंजन ऐसे। ये पिछले लगभग है ना 30,000 किलोमीटर ऐसे ही चलती आ रही है, देखो हाथों से कैसे चिपका हुआ है। तो और गाड़ी की आवाज़ है ना एकदम से बड़ी ख़राब आ रही है, तो इसलिए टाइम टू टाइम सर्विस करानी भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए दोस्तों चिकनापन तो है ही नहीं इसमें। तो दोस्तों ये जो लेट्स कई बार सोचते हैं ना नहीं नहीं कुछ नहीं होता, टाइम से ऐसे ही कर देते हैं, रोड पे जाएंगे चलो जी टॉपअप कर दिया ऊपर से लेके या मिस्त्रियों से ऑयल लेके आया कम है ऊपर से डाल देते हैं हम, तो ये रीज़न होते हैं अपने इंजन को खुद से ही ख़राब करने के लिए। तो बिलाल एक बार इसको गाड़ी को लिफ्ट पे लगा ले और वहाँ से सारा चेक करके दिखा दे कैसे क्या क्या है, वीडियो साथ के साथ रिकॉर्ड करते रहना, वहाँ पे कोई चीज़ छूट ना जाए। दोस्तों हम इसमें फ्लैशिंग बूर्त की और ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल एयर फिल्टर अभी आया नहीं है लेने के लिए हैं पाजी। ये पुराना एयर फिल्टर है, इसमें गंद हो इतनी है। फ्रेंड्स अब हम इसमें इंजन ऑयल डालेंगे और हल्के हाथ से डालें इंजन ऑयल, स्पीड से ना डालें।
तो फ्रेंड्स अब इसमें एडिटिव डालेंगे, इंजन ऑयल में डाल चुका हूँ और ये देखो एडिटिव। फ्रेंड्स अब हम इसके इंजेक्टर खोल रहे हैं और इंजेक्टर साफ करके करेंगे, हम आपको दिखाएंगे। ये कैमरामैन भागने की तैयारी में है, लंच का टाइम हो रहा है ना, तो इसलिए सोच रहा है कि मैं जल्द से जल्द खोल के जाऊं। सो हेलो गाइस, हमने ब्रेक पेड कर दिए हैं, हमने ग्रीसिंग कर दिया है लिक्विड पिन ऊपर है ना। अच्छा वीडियो अरे मैंने भी कुछ मैंने किधर रख दिया अब हम इसके इंजेक्टर निकालने हैं, बड़ी प्यार से निकालना है इनको, हिला डुला के। ये जाम हो रखे हैं, ये देखो हमने इंजेक्टर लगा लिए हैं, सब कुछ लगा लिया है, अब हम इसको क्लीन कर रहे हैं। ये हमारा हो रहा है स्टैंड, ऑयल लगा करके ब्रेक ऑयल है अच्छी तरीके से लगा दें और इसका लॉक भी अच्छी तरीके से फांस दें। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी फिटिंग कर रहे हैं इंजेक्टरों की और अच्छे तरीके से करना है, ब्रेक ऑयल लगा के रिंगों पे, वरना इसके रिंग फट जाते हैं, लीक होने लगता है। तो अच्छे तरीके से लगाना है, इसके बोल्ट गए भाई, बोल्ट किधर है, ये टाइट कर दिए अच्छे तरीके से। अब इसे कपलर लगा देता हूँ एक एक करके और ये देखो कपलर बैठ रहे हैं। बारिश मौसम है, हल्का जला पड़ रहा गैरिश पे है, पता नहीं गया नहीं है, मैंने क्या दिया था रात ही, मैं गैरिश पे हूँ। वीडियो
तो कूलेंट हम इसमें टॉप अप कर रहे हैं जो कम है, बस इसमें और डालो थोड़ा रेडिएटर में, बस बस तो बाकी स्टार्ट करके हम चेक कर लेंगे। दोस्तों हमारी गाड़ी क्रेटा कंप्लीट हो चुकी है सभी लोगों, और क्लीनिंग हमने कर दी है इसकी, और जो जो भी डिटेल्स थी हमने आपको सारी दिखाई है। हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर डाल दिया करो, ताकि हमारे को पता लगे भाई कुछ कमियाँ रह गई हैं, कुछ वीडियो बनाने में कुछ चीज़ छूट गई हैं, या आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, साथ में कमेंट में ज़रूर डाल दिया करो ताकि हमारे को पता लगता रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मैं तो क्यों बोल देता हूँ बार बार मैं।